हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा और 20 क्वेश्चन हिंदी का होगा, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो पहले हम लोग जीके जीएस का रिविज़न करेंगे, उसके बाद हिंदी का रिविज़न करेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो सूचना राजपथ के नाम से इंटरनेट को जाना जाता है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी है? तो तंजानिया की जो राजधानी जो है सो डोडोमा है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो टोडरमल जो है भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। सांची का स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो कराया था सो राजा जो था कनिष्क राजा थे, कनिष्क शासक थे जो सांची के स्तूप का निर्माण करा किया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, जन गण मन राष्ट्रीय गान जो से किसने लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसे जनवरी 1912 में प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहले किस में प्रकाशित किया गया था? तो तत्वबोधिनी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज जो है किसे कहा जाता है? तो सीसा और जास्ता को जो है सो जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 का, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा को क्रस्ट कहा जाता है। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो नवरत्न जो है से चंद्रगुप्त द्वितीय काल के शासन से संबंधित थे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 9 राजा यानी कि 9 रत्न थे। पेनिसिलिन की खोज निम्न में से किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो होती है उसका टाइम जो होता है सो 90 मिनट का होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो दिल्ली सल्तनत का नाम क्या था जिसने आगरा शहर को बसाया था? तो सल्तनत का जो नाम जो था सो सिकंदर लोदी था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से किसे एसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? सॉरी, निम्न में से किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो जीएसटी के दायरे से शराब को बाहर रखा गया है, क्योंकि शराब में जीएसटी लागू नहीं किया है, इसलिए शराब वाले जीएसटी नहीं भरता है। आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र होता है? तो आतंकी कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान में हो सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो सकता है, सार्वजनिक स्थल में हो सकता है। तो मुख्य केंद्र जो होगा सो ये तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन रूप है? तो ग्रेफाइट जो है सो शुद्ध कार्बन रूप है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो धन विधेयक को जो राज्यसभा द्वारा लौटाया जाता है से उसको कितना दिन लगता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटाना चाहिए? तो 1 महीने में लौटाना चाहिए। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है
सो भोपाल में स्थित है, या देहरादून में स्थित है, रांची में स्थित है, या शिमला में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग हिंदी में रिवीजन करते हैं, हिंदी क्वेश्चन का। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो गागर में सागर भरने का मुहावरे में अर्थ होता है कम बोलना नहीं, थोड़े थोड़े में बहुत कहना, यानी कि थोड़े ही काम में बहुत काम कर देना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिसका आंसर जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग टेस्ट। तो महत्व कक्षा जो लिखी जाती है सो किस प्रकार से लिखी जाती है? तो महत्व कक्षा जो होती है ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम शब्द जो से यानी एक का जो होता है सो बहुत, तो एकल का विलोम शब्द बहुल है। अगला क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी, एक उसी के दूसरी का नाम से और नाम उसी को और नाम से जाना। तो पांचवा जो है सो यहंकार है। क्या है? दर्प का पर्यायवाची शब्द जो है सो यहंकार है। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो जो मन को हर जा मन को हारने वाला तो मन को हारने वाला को हम लोग मनोहर बोलते हैं। दूध का दही, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का जो अर्थ होता है सो मिलजुल के करना होता है, या उचित निर्णय करना होता है, या क्या होता है? तो उचित निर्णय करना को बोलते हैं दूध का दूध और पानी करना का होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध बर्तनी का चयन करें बहिष्कार किस प्रकार से लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के जैसा बहिष्कार लिखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण का उल्टा शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण मतलब क्या होता है? जल्दी, तीक्ष्ण तीक्ष्ण शीघ्र शीघ्र। तो इसे उल्टा शब्द जो होता है सो कुठित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गजवर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गजवर्धन का जो पर्यायवाची शब्द है उसे गणपति बोलते हैं। लुप्त का विलोम शब्द होता है। तो लुप्त मतलब क्या होता है? दिखाई नहीं देना। तो लुप्त का जो विलोम शब्द जो होता है सो व्यक्त होता है। सुर का पर्याची शब्द क्या है? तो सुर का जो पर्याची शब्द जो है सो उसको क्या बोलते हैं यानी और किस नाम से जानते हैं? तो सुर का पर्याची शब्द देवता होता है, यानी कि सुर को हम लोग देवता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुंह धो आना मुहावरे का जो सही अर्थ है यानी कि सा मुंह धो आना, धोखा खाना, क्या नींद से जागना, आशा ना रखना, सफाई पसंद होना। तो इसका अर्थ जो निकलता है यानी मुंह धो आना यानी कि उससे अब कुछ आशा नहीं रखना, आशा ना रखना यानी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि मुंह धो आना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सी है यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो निरह निरह हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो निरह जो है सो हम निरह निरीह तो निरीह हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी के जैसा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो विलोम चुने आगरा का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या होता है? तो अनुग्रह होगा या उपग्रह होगा? तो आगरा का जो विलोम शब्द जो होगा सो दुर्ग्रह होगा यानी कि दुराग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए किए हुए को
मानने वाला, यानी किसी भी काम को मानने वाला, यानी किए हुए काम को मानने वाला क्या बोलते हैं, किसी भी काम करने के लिए मनाना यानी कि मानने वाला, तो उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ का व्यक्त करता है। हाथ मलना मतलब पछताना, क्या होता है हाथ मलना मतलब पछताना या हार मान लेना या खो देना, तो होता है हाथ मलना मतलब किसी भी चीज़ किस चीज़ के लिए पछताना, तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो पारलौकिक हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो पारलौकिक जो लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए का जैसा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारलौकिक, तो ऑप्शन नंबर ए का जैसा लिखते हैं, तो बिल्कुल